hello good morning students welcome to my channel today in this class we are going to read poem the t's of your book communicate with cambridge let's start with warm up exercise what are the things that come to your mind when you think of wind write them in the chart below जब आप हवा के बारे में सोचते हैं तो वो कौन सी चीज है जो आपके दिमाग में आती है वो आपको यहाँ पर लिखना है वन इज गिवन रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग आपको तरोताजा कर देती है रेस्ट थ्री यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन आपने क्या सोचा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आइए पोयम की शुरुआत करते हैं यू आर अ न्यूसेंस आई डिक्लेयर यू टीज मी सो इट इज इट फेयर पोएट कहते हैं कि तुम कैसी हो तुम न्यूसेंस हो तुम मुझे परेशान करती हो आई डिक्लेयर मैं ऐसा घोषणा करता हूँ यू टीज मी सो मच तुम मुझे बहुत चिढ़ाती हो इट इज एंट फेयर ये ठीक नहीं है पोएट हवा से कहता है कि हवा तुम मुझे बहुत चिढ़ाती हो परेशान करती हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर यू पाउंस ऑन मी पाउंस मी छपट्टा मार रहा जब आप बहुत तेज हवा चल रही हो आंधी आ रही हो बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा हमारे ऊपर झपट्टा मार रही है तो यही एक्सपीरियंस पोएट भी फील कर रहा है और वो कहते हैं कि तुम मुझ पर झपट्टा मारती हो एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर और मेरी हैट को उड़ा ले जाती हो और साथ ही साथ मेरे बालों को भी कसके पकड़ लेती हो एंड टाई माई क्लोथ इन नट्स एंड टीयर और मेरे कपड़ों को एक गांठ की तरह बांध देती हो जब हवा चलती है जोर से तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपके सारे कपड़े एक तरफ को इकट्ठा हुए जा रहे हैं हवा की डायरेक्शन में तो पोएट कहते हैं कि तुम मेरे कपड़ों को एक तरफ Not लगा देती हो गांठ लगा देती हो और उन्हें हार्ड भी देती हो द लीव एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पियर पत्तियां और जो भी खिलती हुई कलिया हैं, वो सब भी तुम उड़ा ले जाती हो आई विश दैट आई कुड सेट अनेर नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट कहते हैं कि काश मैं एक पिंजरा रख पाता स्नेर कहते हैं उस पिंजरे को जिसमें छोटे छोटे जानवरों को पकड़ा जाता है उन्हें पकड़ने के लिए वो पिंजरा रखा जाता है तो वो कहते हैं कि काश मैं एक पिंजरा लाता जिसमें तुम्हें तुम्हें पकड़ पाता। you, तुम्हें पकड़ पाता, पाता, बट आई डेयर, एक में लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता फॉर दो यू टीज मी आई डिक्लेयर यद्यपि मैं घोषणा करता हूं कि तुम मुझे चिढ़ाती हो ओ विंड इफ यू वर नेवर देयर लेकिन हे hey, हवा अगर तुम नहीं होती आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट तो मैं नहीं कर पाता ऐसा ना ही मैं अपनी नाव को पानी में चला पाता और ना ही अपनी पतंग उड़ा पाता क्योंकि इन दोनों चीजों के लिए हवा की जरूरत होती है तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करती हो और दूसरे पैराग्राफ में पोइट कहता है कि यद्यपि तुम मुझे परेशान करती हो मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि काश एक पिंजरा हो जिसमें मैं तुम्हें पकड़ पाऊँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता लेकिन साथ ही साथ तुम मेरी हेल्प भी करती हो तुम्हारी वजह से ही मैं पतंग उड़ा पाता हूँ और नाव चला पाता हूँ सो दिस वाज द पोम आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू सून टिल देन बाय बाय हैव अ गुड डे